निकाय चुनाव में बड़ी जीत के बाद भाजपा ने अब नए गेम प्लान पर काम शुरू कर दिया है। ट्रिपल इंजन की सरकार की ताकत के साथ ही अब उसकी उपलब्धियों की लिस्ट बनाई जा रही है और इसे घर घर तक पहुंचाने की योजना है। पार्टी का मकसद लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य है। मिशन 100% वाली इस कामयाबी की राह आसान करने के लिए अब नए सिरे से मंथन शुरू हो गया। निकाय चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद भाजपा ने अब यूपी के लिए सबसे बड़ा गेम प्लान तैयार कर लिया है। ट्रिपल इंजन की सरकार को बरकरार रखने के लिए भाजपा ने जमीनी स्तर पर सबसे बड़ी तैयारी को धार देना तेज कर दिया है। वैसे तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी काफी पहले से हो रही है, लेकिन निकाय चुनाव के चलते इसमें थोड़ी सी रुकावट आई और इस निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा ने 24 की तैयारी में और तेजी दिखानी शुरू कर दी है। ये बात साफ है कि लोकसभा चुनाव में यूपी की अहमियत सबसे ज्यादा है और इसी के चलते सीएम योगी के कंधे पर जिम्मेदारी भी बहुत भारी है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं जो हर बार निर्णायक होती हैं। यही वजह है कि भाजपा ने 24 के लिए 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए भाजपा संगठन ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है, क्योंकि जितनी बड़ी परीक्षा पीएम मोदी की है उतनी ही बड़ी परीक्षा सीएम योगी की भी है, क्योंकि यूपी में 2017 के बाद जितने भी चुनाव हुए सीएम योगी के चेहरे पर ही वोट डाले गए, फिर चाहे वो 2022 का विधानसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव या लोकसभा का उपचुनाव। निकाय चुनाव के बाद पार्टी नेता इतने उत्साहित हैं कि वो क्लीन स्वीप का दावा ठोक रहे हैं। इस राम काज की ने मेरा मोही कहाँ विश्राम, तो भारतीय जनता पार्टी के भी एक एक कार्यकर्ता के लिए राष्ट्र काज कीने की बिना, समाज की सेवा कीने बिना मोही कहाँ विश्राम। और कमल का फूल पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सरकार बनाने के लिए पूरा देश तैयार खड़ा है और उसकी तैयारी में लगना यह तो हम लोगों का एक चुनावी अभियान का हिस्सा है। नगर निगम बड़ा था तो वहाँ 100% हम जीते, नगर पालिकाएँ थोड़ा उससे छोटी थी वहाँ भी हम सर्वाधिक जीते, नगर पंचायत थोड़ा और छोटी थी। तो जो जितने बड़े इलेक्शन होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर प्रदेश के नेतृत्व जो है, तो मोदी जी का जब इलेक्शन होगा जो 2024 के लिए होगा तो बड़ा इलेक्शन होगा, मोदी जी के चेहरा पर होगा, तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे हम। जब हमारे 17 महापौर हैं, हर जिले में हमारा महापौर बन गया है, पार्षद बन गए हैं, नगर पंचायत में हमारे सभी अध्यक्ष बने हैं, सदस्य बने हैं, तो उत्तर प्रदेश तैयार है और योगी को ही मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है। 30 मई की तारीख आते ही मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 साल पूरे हो जाएंगे। यही वजह है कि भाजपा 30 मई से 30 जून तक पूरे प्रदेश में महासंपर्क अभियान चलाती दिखाई देगी, जिसमें लोकसभा के सांसद वोटर से संपर्क करेंगे और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में बीजेपी 80 में 80 सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में ही है, यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं बीजेपी को कैसे 80 सीटें मिले, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वो पीएम की कुर्सी पर बैठे, इन सारी चीज़ों को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। भाजपा अगर चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करती है तो इसके पीछे वो सरकारी योजनाएं होती हैं जो दिल्ली और लखनऊ से तय की जाती हैं। सरकारी योजनाओं के लाभार्थी ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं, जिससे पार्टी को 24 में भी ढेरों उम्मीदें हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।